बढ़िया एकदम। तो मैं इसके यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड का इंग्लिश, और आज हम लोग करेंगे स्नेक का क्या करने वाले हैं, समरी। क्या करने वाले हैं? इससे पहले स्नेक का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। 5 मार्क्स से पूछता है हर बार। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं स्नेक का समरी, शुरू किया जाए। जिस तरह लिखे हुए हैं जितना पैराग्राफ में उतना पैराग्राफ में लिखना आप लोग, ठीक है। क्या है भाई स्नेक इज अ पॉपुलर पोएट बाय द ब्रिटिश पोएट बीएच लॉरेंस। स्नेक जो है वो लोकप्रिय कविता है। क्या है? लोकप्रिय कविता है। बहुत लोग लिखता है कि लेखात्मक कविता है, बहुत बहुत कुछ लिखते हैं, जो ब्रिटिश अंग्रेज कवि के द्वारा लिखा गया, नरेट किया गया, ठीक है। अंग्रेज कवि कौन थे? बीएच लॉरेंस। स्नेक क्या है? एक लोकप्रिय कविता है जिस अंग्रेज पोएट के द्वारा लिखा गया है, अंग्रेज कवि के द्वारा, ठीक है। और अंग्रेज कवि कौन थे? यानी अंग्रेज कवि डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ही मतलब वाज एन इंग्लिश पोएट। वह जो है जो कवि है वो क्या है? इंग्लिश कवि है, इंग्लिश पोएट है, अंग्रेजी के कवि है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी और नोवेलिस्ट टू मतलब भी नोवेलिस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद आइए इन दिस पोएम, इस कविता में ही मतलब कौन कवि, वह जो है वो क्या किए हैं, नारेट किए हैं मेमोरी ऑफ मतलब लेखात्मक लेख लिखे हैं, ठीक है। मेमोरी ऑफ हॉट डे मतलब गर्मी के दिनों की याद को क्या किए हैं, वो नारेट किए हैं, इसमें दर्शाए हैं, इसमें लिखे हैं, ठीक है। कभी जो है वो क्या किए हैं, गर्मी के दिनों के याद को क्या किए हैं, वो नारेट किए। When he encounters मतलब सामना, encounter मतलब सामना। जब उनका सामना होता है किससे? सांप से। उनका सामना किससे होता है? सांप से। सांप से सामना कब होता है? गर्मी के दिनों में ना, जब वो पानी पीने जा रहे होते हैं तो डायरेक्ट ना सांप उनको दिखाई देता है। कहाँ पे? वाटर ट्रॉप। समरी का मतलब है कि चार्ट का, देखिए हम ये नहीं कहें कि जो हम समरी लिखे वही सही है, हम जो लिखे हैं आप उसके अलावा भी लिख सकते हैं, कि समरी गलत नहीं होता है भाई। समरी जो है ना भाई, हम पूरा कविता में से जुड़ा है, हम लिखे हैं, जहाँ हमारा दिमाग जहाँ तक पहुँचा है तहाँ तक हम लिखे, आपका जहाँ तक पहुँचता है आप लिख सकते हैं। हम जो लाइन नहीं लिखे हैं वो लाइन को आप लिख सकते हैं, जो हम ना लिखे हम लिखे हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारांश हुआ, सारांश सब अपने अपने तरीका से देता है, ठीक है। चलिए इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट से कवि कहते हैं, दैट मतलब कि ही वेंट टू हिज वाटर ट्रक। वह अपने कहाँ गए थे? वह अपने वाटर ट्रक पे गए थे। वाटर ट्रक मतलब एक जो नल के पास एक बड़ा बर्तन है जिसमें पानी जमा रहता है, तो वो अपने वाटर ट्रक के पास गए थे टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए गए थे ना। इस कविता में कवि कहते हैं कि वे जो है, वह कवि जो है वो गए थे टू हिज वाटर ट्रक, अपने वाटर ट्रक पे, अपने नलका पे, क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। देन कवि सडनली अचानक ही सो, उन्होंने देखा और स्नेक, एक स्नेक को देखा ऑन द वाटर ट्रक, पानी के ना जो नलका वाटर ट्रक जो था उनका ना नलका पे, किसको देखा? सांप को देखा, जो ड्रिंक्स मतलब पी रहा था फ्रॉम माय वाटर ट्रक मतलब मेरे वाटर ट्रक पे पानी पी रहा था। उनको पहले से दिखाई दिया कि वो वहां पर आया हुआ है पहले से ना। कभी साहब को कहता हूँ, एक्चुअल बात लिखा हुआ है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि जो जब कभी आए तो वो भी देखे कि सांप आ रहा है, सांप तो पहले से आ रहा है। कभी जब बताया गया सांप तो पहले से, जब कभी जाते हैं तो देखते सांप पहले से वहां था, क्या कहता है सांप तो पहले से आया हुआ था और पानी पी रहा था। अब तभी सुनिए, द पोएट इज कंफ्यूज, कभी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। किस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं?
बेटी भी दो बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बोलिए हार्डली 5 मिनट चलो। तो बेटी बहन हिज एजुकेशन अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में, कि उनका शिक्षा दीक्षा कहता है कि मार दो किसको, सांप को। एंड कॉन्शियस और उनकी अंतर आत्मा की आवाज, उनकी अंतर आत्मा की आवाज। कॉन्शियस मतलब होता है अंतर आत्मा की आवाज। उनकी अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि उसके साथ ट्रीट करो, व्यवहार करो किस प्रकार, एज अ गेस्ट, गेस्ट की तरह, मेहमान के। सुनिएगा ध्यान से, वो बहुत बड़ा कंफ्यूज में, कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम, मतलब समझिए कि थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं कि उनका एजुकेशन किसके पीछे, दो को बात है, एक वो कि उनका एजुकेशन कहता है कि मार दो सांप को, उनके अंतर आत्मा की आवाज कहता है कि उसके साथ व्यवहार करो किसके तरफ, मेहमान के तरफ। बात समझ, इसमें वो कंफ्यूजन होते कि नहीं होते भाई? पता है ना कि तुम डरे हुए हो, तुमको डर लगता है, तुम इसीलिए इसको नहीं मारना चाहते हो, और पढ़ते के लिए ना देख यही का स्नेक। द स्नेक स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, स्नेक जो है पानी जो है वो शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया पानी पीना। वो स्नेक जो है वो पानी पीना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। बट ही केप्ट वॉचिंग, गणेश भाई इसका हिंदी बताओ, बट ही केप्ट वॉचिंग, लेकिन वो देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो जब वो पानी पीना शुरू कर देता है तो वो क्या करते हैं भाई, देखते रहते हैं लगातार। अच्छा अनिश भाई, हाउ यू आर, मतलब हाउ, हमसे पूछ रहे हैं आप बताओ, हाउ यू आर मतलब कैसे, हाउ यू मतलब हालांकि, हाउ मतलब हालांकि। एज अ स्नेक पार्शियली, अब देखिए अब क्या होता है कि अब बहुत देर के बाद वाला बात, अब सोचे कितना बात, अब जो जो पानी पी रहा है सब बात देख रहे हैं, जो कैसे पानी पी के अंदर डाल रहा है, ले जा रहा है ससारते हुए, ना बूंदे बूंदे पानी पी रहा है, वो सब बात वो सब हटा दिए, डायरेक्ट करेंगे हालांकि। एज अ स्नेक पार्शियली एंटर द होल, एंटर जो है पार्शियली मतलब कुछ भाग जो है वो क्या कर लेता है, होल में, बिल में एंटर कर लेता है। पहले तो भाई मुड़ी करता है फिर सोल्जर अपने कंधा को, और आधा भाग क्या करता है, वो आधा भाग क्या करता है, अंदर घुसा लेता है, ठीक है, बिल में घुसा लेता है, दीवार का जो फटा होता है, दीवार जो फटा होता है उस बिल में घुसा लेता है, वो एंटर द होल बिल में घुसा लेता है। पार्शियली मतलब अर्ध रूप से, तन का पूरा, पूर्ण रूप से नहीं, यहाँ पर पार्शियली मतलब थोड़ा। ही अटैक इट मतलब ही मतलब कौन, कवि साहब, अटैक करते हैं, वार करते हैं, इट हमला करते हैं, इट मतलब इस पर, किस पर, सांप पर, विद अ लॉग एक डंडा से, किसे एक डंडा से उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद क्या करते हैं, खूब खुश होते हैं क्या, नहीं, क्या करते हैं, डांस करते हैं, क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। सो अता ही बिगेन, वह शुरू कर देते हैं टू रिपेंट, पछतावा करना, मारने के बाद वह पछताने लगते हैं। एज टू एसनी, जैसे कि वाई, क्यों ही वांटेड टू किल हिम, क्यों उसे वह मारना चाहते हैं, क्यों वह उसे मारने की कोशिश की, वह पछताने लगते हैं कि क्यों वह वांटेड टू किल हिम, क्यों वह उसे मारना चाहे, क्यों मारना चाहते हैं उसे, इसलिए वो पछताने लगे। द स्नेक डाइड नॉट हार्म, ए डिड नॉट हार्म टू हिम। अब ये बात फिर सोच रहे हैं कि स्नेक जो है, स्नेक डिड नॉट हार्म टू हिम, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाया, स्नेक ने उन्हें कोई हार्म मतलब कोई क्षति नहीं पहुंचाया, पहुंचाता है क्या, नहीं भाई। उन्होंने मारने की कोशिश क्यों की उसको, अपने आप में सोचो, मैंने मारने की कोशिश क्यों किया, क्योंकि मुझे इसने कोई क्षति भी नहीं पहुंचाई है, मैं क्यों इसे मारना चाहता हूं, मारने की कोशिश क्यों किया मैंने इसे। एक अभी ही टायर्ड टू किल, और मैं अभी इसे कोशिश किया मारने की,
मैंने अभी इसे मानने का कोशिश किया, आ गया। ही राइट्स और लिखते हैं अबाउट द स्नेक, स्नेक के बारे में लिखते हैं दैट की ही सिम टू मी, कि वह प्रतीत होता है मेरे लिए या मुझे, वह मुझे प्रतीत होता है, वह मतलब स्नेक, यहाँ पर वह मतलब स्नेक, वह सिम मतलब प्रतीत होता है टू या उन्हें, वह नहीं उन्हें 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 कभी कभी उन्हें प्रतीत होता है, यहाँ पर मुझे ना है, यहाँ पर ही होगा स्नेक के लिए, किसके लिए, वह मुझे प्रतीत होता है, कैसे प्रतीत होता है, कैसे दिखाई देता है, और लाइक अ किंग, किसके जैसा, एक राजा के जैसा, वह मुझे प्रतीत होता है, दिखाई देता है किसके तरह, एक राजा के तरह, कहाँ के राजा के तरह, एग्जाइल, एग्जाइल मतलब जहाँ पे जो वनवासी के राजा के तरह, वनवास के राजा के, एंड सो और अतः इसलिए आई मिस्ड माय चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, मैंने क्या किया, अपना चांस को मिस कर दिया, खो दिया ना, कौन सा चांस को खो दिए हो, मतलब जीवन के भगवान से मतलब मिलने का, उसका सेवा करने का, उनके उनको मेहमान के रूप में मतलब अधिक सेवा का व्यवहार करने का, वो क्या कर दिए, चांस खो दिए, ठीक है, जीवन के भगवान का, चलिए जीवन के भगवान। अब फाइनली क्या होता है अंत में, इट इज अ रियली फैंटास्टिक पोएम, या जो है सचमुच में क्या है, फैंटास्टिक पोएट है, बार धमाकेदार बोल के ना, क्या हो, हाँ पोएम है, कविता है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, टी.एस. लॉरेंस के द्वारा, वेयर जहां ही हैज ब्यूटीफुली, वह एकदम सुंदरता से, वह जो है एकदम सुंदरता से, सो मतलब दिखाए हैं, सो मतलब दिखाए हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, मानव के प्रकृति में परिवर्तन को, मानव के प्रकृति में परिवर्तन को उन्होंने दिखाया है, कि मानव ने आज, ठीक है, इतना देर तक के सांप को देखा, उसके बारे में बयां किया कि मानव में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है, इस प्रकृति में मानव में कितना परिवर्तन आया, उसको सुंदरता सुंदरता से उन्होंने क्या किया है, इसमें दिखाया, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक हाँ जय हिंद। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, आप लोग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, तो फिर मिलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।